तो वहीं पे आते हैं, क्योंकि हमारा केडर आप जाइए कंट्री में कहीं पे भी जाता हूँ वहाँ पे आपको कांग्रेस के आदमी मिलेगा, कहीं पे भी एक छोटे। मुझे कभी तेलंगाना में उतना ज्यादा मौका नहीं दिया, मेरा हर बार कंप्लेन रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सिटी है और टर्मिनल भी अमन सबका है, यहीं पे यहाँ पे ठहरता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मिलजुल के काम करें, और भट्टी साहब है, उत्तम कुमार रेड्डी साहब है, और जितने भी हमारे सीनियर लीडर है, हम सब मिलजुल के अगर काम करेंगे तो हम फिर से यहाँ पे तेलंगाना में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। और मुझे बिल्कुल ये 100% मैं खुद कम 100% बोलता हूँ, क्योंकि खिलाड़ी कभी भी 100% से ज्यादा ही बोलता है। तो मैं आज 100% बोलूंगा कि हम अगर मिलजुल के काम करेंगे, हमारे जितने भी लोग हैं या यूथ के लोग हैं और जितने भी एक्सपीरियंस हमारे नेता हैं, उनसे आप मिलजुल के उनका एक्सपीरियंस लेकर काम करेंगे तो हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और राजीव गांधी साहब और सोनिया गांधी मैडम, राहुल गांधी मैडम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विचार आगे बढ़ा सकते हैं, उन्होंने जो भी करना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो आगे आगे बढ़ाएंगे। तो हम अगर अच्छे काम करेंगे, अगर उनको अगर हम यहाँ पे अच्छा काम करेंगे तो सेंटर में हम भी उसमें अच्छे हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे मिलजुल के काम करें, और ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे तरफ वो लोग ने बिल्कुल मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दिया हैदराबाद में, मैं इसके मेरे पास अल्फाज नहीं कि शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे फैंस हैं और हर जगह पूरे हैदराबाद में फैंस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हमारी पार्टी आई नेक्स्ट टाइम और हम पावर में रहे, हम और इससे अच्छा ये जो प्रोग्राम हो रहा है इससे और अच्छा प्रोग्राम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।